हेलो माय लव्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं एक लेजेंड के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने वुमन एम्पावरमेंट, वुमन राइट्स और वुमन एजुकेशन के लिए बहुत ही अपना योगदान दिया और हमें मतलब उनकी वजह से हम आज इधर हैं। उनके बारे में सबसे खास बात ये है कि वो इंडिया की फर्स्ट वुमन टीचर है एंड उनका नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। और टीचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का एंड वो हमें मतलब टीचर्स हमारी जिंदगी बदल देते हैं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ऐसे टीचर के बारे में बताओ जिन्होंने आपकी लाइफ बदली हो, प्लीज कमेंट करो नीचे, मैं जरूर जानना चाहूंगी। मेरा ये आज का वीडियो उनके लिए ट्रिब्यूट है, तो चलो डाइव करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट इनटू इट। तो मैंने मेरा स्किन प्रेप कर लिया है और अगर आपने मेरा स्किन प्रेप वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज चेक कर लो। अभी मैंने कलर करेक्ट भी कर लिया है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन से। अभी हम 2020 में है एंड अभी भी एज अ वुमन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उनकी तो कहानी एक्चुअली 150 साल पुरानी है। सीरियसली 150 years ago वो लड़ी थी वुमेन्स एजुकेशन के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए और उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उसकी वजह से। आज मैं सिर्फ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, फाउंडेशन नहीं क्योंकि मेकअप ज्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही। उन्होंने तब आवाज उठाई थी हमारे राइट्स के लिए, इसलिए आज हम पढ़ लिख रहे हैं, स्कूल जाते हैं। अभी ये बहुत ही नॉर्मल है लड़कियों का स्कूल जाना, पढ़ना लिखना और वो भी को एजुकेशन में। वी सीरियसली ओव इट टू हर। उनके हस्बैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उनकी लाइफ में क्योंकि उनके हस्बैंड ने बहुत ही हेल्प की थी उनको आगे बढ़ने में, पढ़ने में, लिखने में, टीचर बनने में। और इंडिया की फर्स्ट ऑल वुमेन स्कूल उन्होंने खोली थी पुणे में और वो भी इजी नहीं था एक्चुअली। स्कूल स्टार्ट करने के बाद भी उनका सफर आसान नहीं रहा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करती थी इसलिए अपर कास्ट वाले उनको बहुत ही परेशान करते थे। वो जब भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो मतलब लोग रोज उनके ऊपर मतलब पत्थर फेंकते थे और गोबर वगैरह फेंकते थे, सब गंदा करने की कोशिश करते थे ताकि वो घर चली जाए। पर वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी कैरी करती थी जो वो स्कूल में जाने के बाद चेंज करती थी एंड शी वाज लाइक लिटरली अनस्टॉपेबल। पर आजकल जरा कुछ हो गया तो हम लोग हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमें सीरियसली उनका एग्जांपल सामने रख के आगे बढ़ते रहना चाहिए और चाहे कितनी भी परेशानी आए हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। ये सिखाता है हमें मतलब उनका कैरेक्टर या चरित्र। तो वो औरतों को पढ़ने लिखने का एंड पढ़ाने का अधिकार दिलाने के लिए 150 साल पहले लड़ी थी और वो वुमन एम्पावरमेंट में बहुत ही बिलीव करती थी। तो हमें उनसे यही सीखना है एंड यही करना है अभी 2020 में क्योंकि अभी वुमन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं है। आजकल औरत ही औरत को नीचे खींचने की मतलब कोशिश करती रहती है या आजकल हम इतना सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को जैसे उन्होंने किया एज अ वुमन दूसरे वुमन के लिए। तो हमें भी खड़े रहना चाहिए दूसरी औरतों के लिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए जो भी वो करना चाहती है।
हमें एक दूसरे को कम्पीट नहीं, एक दूसरे को एम्पावर करना चाहिए। हम खुद को दूसरों से, दूसरी औरतों से कंपेयर करके कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, ये सब सही नहीं है। हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तब जातिवाद भी बहुत हुआ करता था, उसकी वजह से भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करती थी। तो आप सोच ही सकते हो कि मतलब कितना प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि अभी अभी भी है जातिवाद हमारे इधर इंडिया में। तो 150 साल पहले क्या होता होगा। और वी ओव आवर फ्रीडम, एजुकेशन एंड ऑल आवर राइट्स टू सावित्रीबाई फुले जी, एंड सीरियसली वी डू, क्योंकि उनकी वजह से ही ये आज पॉसिबल हो पाया है। और मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि वो महाराष्ट्र से थी एंड मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड आपको उनके बारे में बताने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम प्राउड टू बी अ महाराष्ट्रियन। एक्चुअली मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह पहन ली है, साड़ी भी पहन ली है उनके जैसी, बस ये लुक अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने अभी तक वो कुमको एडअप नहीं किया है जो वो करती थी यहाँ पे ऐसे। उसके लिए मैं ये रेड कलर का कुमको यूज कर रही हूँ। मेरे लिए ये रेड कलर का कुमको इस मतलब प्रतीक है एक पावर का, करेज का, और वो जो वुमन एम्पावरमेंट करती थी और रिबेलियस पर्सनैलिटी ऐसे, वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है इस पूरे लुक में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लगाना। अब उनके रूप में आ चुकी हूँ और वुमन एम्पावरमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जो कि मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, छोटी बच्चियां जो होती थी विधवाओं को भी वो मतलब उनके लिए भी बहुत कुछ करती थी, अनटचेबल्स जो थे उनके लिए भी करती थी। तो ऑल ओवर वो समाज सेविका थी और बहुत ही उनका मतलब कंट्रीब्यूशन हमारे देश की तरफ रहा, और उन्हीं की वजह से आज हम जो यहाँ है, हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ा बहुत औरतें जो भी, तो वो सब होने की वजह से है। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि जो क्रांति उन्होंने 150 साल पहले लाई थी, वही क्रांति हम अभी भी बरकरार रखें, वैसे ही हम और औरतों को मतलब एम्पावर करें, उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करें, हमारा सपोर्ट दें उनको, ना कि हम एज अ वुमन दूसरे वुमन से कम्पीट करें या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें या फिर डीमोटिवेट करने की कोशिश करें। तो इंस्टेड हमें उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए और उन्हीं की तरह दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उनके लिए लड़ना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए एंड कमेंट भी करके मुझे बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिट दैट बेल आइकॉन।